यदि ये कहा जाए कि अब तक का सबसे महानतम वैज्ञानिक कौन है तो सर आइजक न्यूटन का नाम पहले आएगा, लेकिन एक और वैज्ञानिक है जिसको हम आइजक न्यूटन के लगभग बराबर ही रख सकते हैं, जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन काल में ढेर सारी खोज और आविष्कार किए, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने ही खोजा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उन्होंने ही समझाया, ब्रोनियन मोशन को उन्होंने ही समझाया, उसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस के साथ मिलकर उन्होंने बोजोन की खोज की, जो आगे चलकर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो एक तरह एक अलग ही ब्रांच है भौतिकी का, वो बना। और जीवन के अंतिम 30 वर्ष उन्होंने यूनिफाइड थ्योरी कि एक ही थ्योरी से हम पूरे ब्रह्मांड को कैसे समझ सके उस पर असफल तरीके से काम किया। यानी उनका अंतिम 30 वर्ष एक प्रोडक्टिव वर्ष नहीं था, एक क्रिएटिव वर्ष नहीं था, बल्कि हम कह सकते हैं कि अंतिम 30 वर्ष वो पूरी तरह से आइसोलेशन में चले गए थे। तो उनका जो क्रिएटिव पीरियड था वो 25 वर्ष की उम्र से लेके 46 वर्ष की उम्र था। यानी इस 20 वर्षों के अंतराल में उन्होंने ढेर सारी खोज की। तो उनकी क्रिएटिविटी का कारण क्या था? यदि आइंस्टीन के जीवन को हम ध्यान से देखें तो वो बचपन से ही एक एकाग्रचित इंसान थे, यानी उनके पास एक कॉन्सनट्रेटेड माइंड था। बिना एकाग्रता के हम कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, हम सफलता प्राप्त भी नहीं कर सकते। और वो किसी काम को हमेशा लगातार करने में समर्थ थे, वो किसी काम को बीच में नहीं छोड़ते थे। यदि उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया तो जब तक वो फिनिश नहीं करते थे तब तक उसे वो छोड़ते नहीं थे, यानी उनमें धैर्य था। उसके बाद आइंस्टीन एक धार्मिक या कह सकते हैं दार्शनिक प्रवृत्ति के इंसान भी थे। उनको दर्शन में बहुत ही रुचि थी और उनकी दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण ही वो इतनी सारी खोजें कर पाए। और कल्पना शक्ति का भी उन्होंने खूब उपयोग किया। बिना कल्पना शक्ति के सहारे विज्ञान में आप कोई भी खोज नहीं कर सकते। तो पहला है दार्शनिक प्रवृत्ति, कल्पना शक्ति, धैर्य और बिना किसी दबाव के काम करना, फ्री थिंकिंग, बिना किसी लालच के काम करना। विज्ञान के आविष्कार में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि स्वार्थहीन तरीके से काम करना। यदि विज्ञान के आविष्कार में यदि आप स्वार्थी बन जाएं तो आप संभावना है कि कोई खोज नहीं कर सकते। इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है स्वार्थहीन तरीके से काम करते हैं और हमेशा सफल हुए हैं। तो यही है आइंस्टीन का छोटी सी जीवनी कि उनकी दार्शनिक प्रवृत्ति, कल्पना शक्ति और धैर्य के कारण ही उन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की।